के 15वें वार्षिक सम्मेलन में इस विभाग के मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग श्री वाई के सिन्हा जी, श्री नीरज गुप्ता जी, सभी केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यगण, राज्यों के सूचना आयोग के मुख्य चुनाव सूचना आयुक्त और सभी देश से आए सूचना आयोग के प्रतिनिधिगण, एनजीओ के प्रतिनिधिगण, नौजवान साथियों, माता और बहनों, मैं सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जो हर वर्ष अपने इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं कि किस तरीके से हम सूचना आयोग को और पारदर्शिता से बनाएं, जवाबदेही से बनाएं, ताकि देश के हर नागरिक को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, शासन और प्रशासन में पारदर्शिता ला सके, जवाबदेही ला सके। इसके लिए आप लगातार चर्चा और संवाद कर किस तरीके से इस अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन के साथ जो अंतिम समाज का व्यक्ति है, जो सूचना मांग रहा है, उसको ठीक समय पर सूचना उपलब्ध हो जाए, और इसीलिए इस कानून को अधिक प्रभावी, इसका प्रभावी क्रियान्वयन करने के बारे में आज तीन विषयों पर आप व्यापक चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, और उसके साथ साथ नागरिकों को अधिक सशक्त करते हुए उसको त्वरित गति से किस तरीके से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती, इस विषय पर आप चर्चा संवाद करेंगे। साथियों, इस देश के अंदर हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाया है। कानून का शासन हो, शासन और प्रशासन की जवाबदेही हो, शासन में पारदर्शिता आए, इसके लिए समय समय पर जब जब आवश्यकताएं महसूस हुई उस समय भारत की संसद ने कानून बनाए, राज्य की विधानसभाओं ने कानून बनाए, और एक कानून और अधिनियम के माध्यम से आम जनता को अधिकार मिले, कानून का शासन हो, जनता का शासन हो, इसके लिए ये कानून भी जो पारित हुआ ये अपने आप में शासन प्रशासन में जवाबदेही पारदर्शी करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, और इसका मूल लक्ष्य था नागरिकों को सशक्त बनाना, कार्यप्रणाली को पारदर्शिता बनाना, जवाबदेही बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना, और लोकतंत्र सही मायने में जनता के हाथों में हो, इसके लिए आज भी ये कानून प्रभावी है, और इसीलिए इस कानून के आने के बाद आपने 15वें-14वें अधिवेशन तक व्यापक चर्चा की, संवाद की। आज आप डिजिटल के युग में
ई गवर्नेंस के माध्यम से सूचना त्वरित पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सूचने वाला प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी देश के किसी गांव ढाणी से डिजिटल के इस युग में अपनी सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। आपने मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, कई माध्यमों का उपयोग कर इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आपने लगातार चर्चा संवाद की। आज भी देश भर से आप लोग यहां पर आए हुए हैं और यही चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, ताकि देश की जनता के अंदर जो शिकायत प्रणाली वह सशक्त हो, प्रभावी हो, शासन में जनता का विश्वास हो, भरोसा हो, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए, ताकि हम किस तरीके से एक बेहतर शासन चला सकते हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम का अगर प्रभावी तरीके से उपयोग करें तो हम एक पारदर्शी शासन का जो लक्ष्य सरकार का है, जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है, माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने के लिए हर व्यक्ति की लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी हो, जन भागीदारी हो। जो सरकार का धन है उसका ठीक से उपयोग हो, अपव्यय न हो, इसके लिए शासन ने कई तरीके के नियम प्रक्रिया बनाई है। शिकायत पोर्टल राज्यों में भी है, केंद्र में भी है। कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों के अंदर ग्रीवेंसेस सेल बना रखे हैं, केंद्र में भी ग्रीवेंसेस सेल बना रखे, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि शासन में विश्वास होना चाहिए, ग्रीवेंसेस ज्यादा है उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। ग्रीवेंसेस ज्यादा आती है मतलब जनता की सक्रिय भागीदारी है और शासन के प्रति लोगों का विश्वास है कि मैंने जो ग्रीवेंसेस दी है वह सरकार तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से मुझे न्याय मिलेगा। और इसीलिए नीतियां, पॉलिसीज, योजनाएं जब सरकार बनाती है तो उसका एग्जीक्यूशन करते समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जवाबदेही जब आएगी, जब नीचे तक का व्यक्ति को उस नीतियां, कार्यक्रम, योजना की संपूर्ण जानकारी होगी, जिसके लिए योजनाएं बनी उसको योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम व्यक्ति तक समाज की कल्याण की योजनाएं पहुंचे जिससे उसके जीवन का परिवर्तन हो। और सरकार ने इसीलिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए आज डिजिटल पेमेंट की एक नई व्यवस्था शुरू की है। हम जितना ह्यूमन सोर्स का उपयोग कम करेंगे उतनी अधिक पारदर्शिता आएगी। और आपने देखा होगा कि शासन ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा के अंदर बड़ी स्तर पर कार्य योजना बनाई है। देश के अंदर हर गांव के अंदर डिजिटल नेटवर्क पहुंचे उसके लिए व्यापक रूप से काम हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम बेहतर हो इसके लिए काम हुआ है। और सभी योजनाओं का पेमेंट
और नीतियों कार्ययोजनाओं की पॉलिसी के साथ डिजिटल पेमेंट के माध्यम से करोड़ों रुपए का जो धन का अपव्यय होता था उसको पारदर्शी व्यवस्था करने का काम शासन में किया है। आप सब लोग यहां अनुभव हुए हैं, मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि कानून हमेशा बनाते समय सरकार की या लोकतंत्र की व्यवस्था यह रहती है कि कानून प्रभावी हो और जिसके लिए कानून बना है वो ठीक से उसका उपयोग करे, क्योंकि आरटीआई के अंदर कानून लाने के समय एक लंबा आंदोलन किया गया था, देश के अंदर पंचायत से लेकर नीचे ऊपर तक जब करप्शन बढ़ने लगा, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, लोगों को नीतियों पॉलिसियों का लाभ नहीं मिलने लगा, जो निर्माण कार्य होती थी उसकी गुणवत्ता बेहतर नहीं थी, जिस काम के लिए पैसा भेजा था जाता था उसका उपयोग ठीक से नहीं होता था, एक लंबे संघर्ष के बाद ये कानून बना। और कानून बनाते समय यह मानसिकता थी कि गांव की पंचायत में बैठे व्यक्ति भी जो उसके गांव में निर्माण कार्य चल रहा है उसकी गुणवत्ता और जो धन आया है उसकी जानकारी उसको मिल सके, एक जनभागीदारी जन सहभागिता हो सके, ताकि हम नीचे तक के शासन में और प्रशासन में पारदर्शिता ला सकें। लेकिन अभी भी इसके प्रयास आपके कई अधिवेशन के बाद अभी अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि कहीं आरटीआई कानून के नाम पर दुरुपयोग न हो। जब आपके पास आरटीआई आती है तो आप देखते हैं कि आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी मंशा क्या है, अगर आप उसकी ठीक से अनुभव कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो जो वास्तविकता के रूप में शासन और प्रशासन में पारदर्शिता चाहता है उस आरटीआई के पढ़ने की प्रथम दृष्टा के अंदर ही आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन या इसकी जवाबदेही के अंदर लापरवाही बढ़ती गई है, तो आप खुद भी जांच के आदेश दे सकते हैं और ऐसे आरटीआई को तुरंत देकर प्रशासन में पारदर्शिता ला सकते हैं। और इसीलिए आरटीआई कानून जिस लक्ष्य के लिए बना था, शासन प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही के लिए इसका ठीक से उपयोग हो तो एक हम भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं। और सरकार की मंशा भी है, देश की आम जनता की मंशा भी है, देश की आम जनता का बहुत विश्वास भरोसा आप सब पर है कि आप उसको न्याय दिलाएंगे और समाज का अंतिम व्यक्ति भी जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसको भी न्याय दिलाने का सबसे बड़ा माध्यम आपके पास है। इसलिए मुझे आशा है कि इस दो दिन के मंथन में आप एक बेहतर तरीके की चर्चा करने के बाद एक पारदर्शी व्यवस्था खड़ा करने में सरकार का सहयोग करेंगे, शासन में जवाबदेह व्यवस्था खड़ा करने के लिए भी आप बेहतर तरीके से किस तरीके से हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम आरटीआई कानून को और प्रभावी बना सकें। क्योंकि कई बार आरटीआई लगाने के पीछे की मंशाओं को हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है, अगर उन मंशाओं को हमने अध्ययन करने लगे
तो आरटीआई लगाने वाला व्यक्ति आरटीआई की मंशा उस निर्णय से ही हम बेहतर पारदर्शिता ला सकते हैं और इसीलिए यह आजादी का 75 वर्ष जो लोकतंत्र का उत्सव है, हमारा शासन जनता का शासन लाने का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने सोचे थे उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है और इसीलिए लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा के अंदर आप जैसे महान भावों का शासन प्रशासन में जवाबदेही पारदर्शिता और एक बेहतर शासन एक गुड गवर्नेंस लाने में आपके सहयोग की बहुत आशा है। मुझे विश्वास है कि आप इस आरटीआई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर दो दिन तक चर्चा करेंगे, प्रभावी गतिशीलता लाने के लिए चर्चा करेंगे, अधिकतम जनभागीदारी बढ़ाने में आपका प्रयास होगा। जितनी जनभागीदारी बढ़ेगी लोकतंत्र उतना ही सशक्त होता है और लोकतंत्र को अगर सशक्त मजबूत करना है तो लोकतंत्र में जनभागीदारी को अधिकतम बढ़े, जनता का हर व्यक्ति सजग रहे, उसकी योजनाएं नीतियों जो बनाई गई है उसकी नीतियों योजनाओं का लाभ उसको मिले, ताकि 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने जो समाज में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किए हैं आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है। जब हम एक पारदर्शिता जवाबदेही व्यवस्था खड़ा करने का लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, एक गुड गवर्नेंस शासन की व्यवस्था कर पाएंगे और हमारी नीतियों कार्यक्रम योजनाओं का लाभ जिसको पहुंचाने की सरकार की मंशा है उस तक उस योजनाओं का लाभ अगर ठीक से पहुंच गया तो हम आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करते हुए एक विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है उस सपने को पूरा कर पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।